नगर निगम बरेली की राजनीति में एकदम तूफान सा आकर खड़ा हो गया है। जैसे ही बीती शाम बरेली के नगर आयुक्त आईएएस सैमुअल पाल एन ने इंदिरा मार्केट में अवैध तरीके से लगे टीन के खोखों, जिन्हें कि नगर निगम के लोग पोर्टेबल शॉप कह रहे थे, उस मामले में बताते हैं एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी खबर बरेली के आज क्या अखबारों में क्या छपी कि एकदम तूफान सा खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में पार्षद इकट्ठे होकर अपने साथी विनोद सैनी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और दर्शनलाल भाटिया पर हुई कार्रवाई को लेकर सक्रिय हो गए हैं। महापौर बरेली के कमरे में बैठक हुई है, उसके बाद नगर आयुक्त सैमुअल पाल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई है। भारी फोर्स इस दौरान तैनात रही है। क्या हुआ है बरेली के नगर निगम में, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। निरस्त किया था हमने, ये कह के निरस्त किया था, ये बिना पार्षद के अनुमोदन के नहीं होगा। वो फाइल बन के आ गई कि पार्षदों का अनुमोदन अनिवार्य होगा। आपके खिलाफ हो जाता फिर वो ये देखिए हमें वो ज्ञापन हमारा मतलब ये था। आप ज्ञापन लीजिए, आप पहले देखिए ज्ञापन में हमने क्या लिखा है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आज दिनांक 1 से प्रतिष्ठा में नगर आयुक्त नगर निगम बरेली महोदय, आज दिनांक 1/6/19 के दैनिक समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे साथी पार्षद माननीय श्री विनोद सैनी के ऊपर भ्रष्टाचार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हमारे साथी पार्षद पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप सिद्ध नहीं है, ना हुआ है। इसके बावजूद विद्वेष भावना से आपके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। समस्त पार्षदों में जबरदस्त रोष है, तत्काल इस रिपोर्ट को वापस लिया जाए, अन्यथा हम सभी पार्षदगण आंदोलन अनिश्चितकालीन करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन दिया था ये सारे हमारे पार्षदों का। ओके ठीक है, बिल्कुल मेरा कहना है सर, आप मुखिया आए हमारे, ठीक, ये नगर निगम के पार्षद है। चोरी करने के लिए आपके अधिकारी खुली भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, रिपोर्ट है, मैं आपको वो भी दूंगा, बिल्कुल दूंगा ना, दे दीजिए। और आप ना बार बार कर सुनिए, हम आतंकवादी नहीं है, हम नहीं, आप पुलिस को बुलाते हो, हम आतंकवादी नहीं है। यहाँ पर पुलिस को बुला के आप किस बात को लेकर धरना दिया जा रहा है? आज सुबह अखबार पढ़ने से पता चला कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो अभी सारे पार्षद धरने पर बैठे और नगर आयुक्त जी को ज्ञापन देने आए कि अगर उन्होंने एफआईआर वापसी नहीं ली तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। किस बात के लिए एफआईआर हुई, कोई जानकारी है आपको? हमें जानकारी नहीं, केवल अखबार के माध्यम से ही पता चला है कि एफआईआर हुई। ये नगर आयुक्त तो अभी है नहीं, तो धरना अनिश्चितकालीन है आपको, कब तक धरना चलेगा, कैसे क्या है? अभी ज्ञापन दे के जाएंगे, उसके बाद और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन भेजेंगे और नगर विकास मंत्री जी को भी ज्ञापन भेजेंगे कि मेयर साहब के द्वारा। उपसभापति अतुल कपूर जी, क्या कहना है इस प्रकरण में आपका? इस
प्रकरण में हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय पार्षद साथी के ऊपर नगर आयुक्त जी ने इल्जाम लगाया है या FIR करवाई है, ये सरासर गलत है। किस साक्ष्य के आधार पर कराई है और ये द्वेष भावना से FIR कराई गई है, इसको तत्काल वो उसको वापस लें, नहीं तो हम सारे पार्षद जो हैं नगर निगम के 80 के 80 पार्षद जो हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दें। देखिए, व्यापारी नेता दर्शनलाल भाटिया के खिलाफ दर्ज की गई FIR के विरोध में बरेली का व्यापार मंडल भी भड़क गया है। बरेली के व्यापार मंडल में एक बैठक हुई है, बैठक के बाद व्यापारी नेता क्या बोले हैं, आइए सुनते हैं व्यापारी नेताओं की बात। व्यापारी एकता, भाटिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाटिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अमराई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अमराई है, आगे और लड़ाई है। आगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, रोज जिंदाबाद। जी, व्यापारी नेता जी, क्या कहना है सर दर्शनलाल भाटिया जी के ऊपर आज FIR हुई है जो अखबार के माध्यम से पता चल रहा है? जी, हमें भी अखबार के माध्यम से ही पता लगा है और हमारा ये कहना है कि हमारे भाटिया जी बहुत पुराने हमारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारा क्या सारे पूरे बरेली शहर के व्यापार मंडलों से अगर आप पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे भाई भाटिया जी इस कार्य में लिप्त नहीं हो सकते। अब चूँकि इनकी स्वयं की भी वहाँ दुकानें बहुत पुरानी हैं, 25-30 साल पुरानी दुकानें इनकी हैं, तो ये आज भी क्योंकि ये वहाँ से जुड़े हुए हैं, वहीं से इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया, तो आज भी इनकी 2-3 दुकानें हैं। ये अपनी दुकान, एक दुकान है आज, ये अपनी उस एक दुकान के चक्कर में खुद मारे मारे फिर रहे, ये भी इनके भी पैसे गए हुए हैं, ये तो बल्कि खुद धोखे में आ गए, तो ये किसी के साथ कहाँ धोखा करेंगे। क्या लगता है कहाँ से कमी निकल के आ रही है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? ये तो कमी अभी जब तक जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि भाई किसकी कमी है, किसने अलॉट करा दी, कैसे वहाँ दुकानें आगे रख दी इतनी दुकानें। अच्छा एक बात बताइए, इतनी दुकानें जिसने भी बनाई होंगी वो पार्टी कहाँ है जिसने इतनी दुकानें बनाई होंगी? 200-300 दुकानें तो उसने बना डाली, तो वो पार्टी कहाँ है जिसने ये दुकानें और शटर वाली बिल्कुल लेटेस्ट दुकानें बना के बैठा हुआ जो व्यक्ति जिसने दुकानें बनाई उसका तो पता ही नहीं है, दुकानें बना के वहाँ रखी हुई हैं, वो व्यापारी है नहीं है, उसके पास GST नंबर है नहीं है, किसने बना दी? रातों रात दुकानें बन गई तो वो व्यापारी भी है या कहीं से कहाँ से, उसमें कोई ना कोई तो शामिल रहा होगा, दुकानें किसी ने तो बनाई होंगी उसमें से। और बाकी हमारे राजेंद्र गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं, तो वो अपने व्यापार के व्यापार मंडल के सिलसिले में मीटिंग में 2 दिन के लिए बाहर गए, मंडे को जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग व्यापार मंडल इसमें रूपरेखा तैयार करेंगे। संजीव ठान्ना महानगर कोषाध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री व्यापार मंडल, इसमें मेरा स्पष्ट आरोप नगर निगम और नगर निगम में कथित राजनेता लोग, ये इनकी आपस की लड़ाई में हमारे भाटिया जी को जबरदस्ती इसके अंदर खसेड़ा जा रहा है, जबकि भाटिया जी का कोई रोल नहीं है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि कुल अभी तक नगर निगम में कितने खोखे बनवाए हैं और कितने वहाँ पे लगे हुए हैं, कितने अलाट हुए हैं, और जो बनवाए हैं उन पे GST या टैक्स या टेंडर प्रणाली से हुआ है या डायरेक्ट आके लोगों ने अपने आप रख दिए गए हैं? सबसे पहले तो नगर निगम अपनी गिरवान झाके कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। और हमारे एक स्वच्छ बेदाग छवि वाले व्यापारी नेता और हमेशा उस एरिए में हर आदमी का, हर तबके का उन्होंने संकट में साथ दिया, चाहे वो फड़ वाला हो, खोखे वाला हो, ठेले वाला हो, खोमचे वाला हो, सबका इन्होंने साथ दिया। और इन्हीं की वजह से आज जो हमारी इंदिरा नगर मार्केट है जो बची हुई है वो सिर्फ इन्हीं के प्रयास और इन्हीं के मेहनत की वजह से बचे हुए। ऐसे हमारे व्यापारी पे आरोप लगा देना अनियमितताओं का, ये बहुत गलत बात है, शर्मनाक है। नगर निगम कृपया, दर्शनलाल भाटिया जी आज आपके ऊपर FIR जैसे अखबारों से पता चला है, इसके क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, नगर निगम में हमारी 84 से पहले 109 थी, फिर 12 बनी, 119 दुकानें नगर निगम से अलाटमेंट है जो 8x4 की थी, 32 फुट जगह दी गई थी जिसका रेंट हर महीने के महीने जाता है, हमें उस 119 से मतलब है, बाकी हमारा किसी शहर से मतलब नहीं, कहाँ लग रही है, कहाँ आगे लग रही है। हम 119 के अध्यक्ष हैं जिसको हमने बनाया अपना इंदिरा मार्केट सेशन, हम उसके बाद
तो मतलब आपके जानकारी में 119 है, लेकिन वहाँ दुकानें तो लगभग बहुत सारी ज्यादा हैं। ऐसे तो जानकारी पीछे लग रही है कि सबको हर कदम पे हम दर्शनलाल भाटिया के साथ में पुरजोर विरोध करते हैं, हर तरह से विरोध करते हैं। हम लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार की घृणित कार्रवाई की गई है। हमारे पास किसे जिम्मेदार मानते हैं इसमें? इसमें नगर निगम को। कांव कांव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।